Ayer. Sama tu yaum il. Adahu. Alitta. أم يسلم هذا فليذوق فغسق آخر هذا فوج مقتحم أمر قالوا مرحبا مرحبا ثم قدمتم لنا فبإستار قالوا ما لنا هذا قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم بار حتى ما ذلك لحق قاسم ما أنا ما من إله إلا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار عليا من علم ما إلي إلا أن قال ربك للم سويته ونفخته من فقعوا له ساجدين كائب تكبر وكبر قال يا إبليس ما منعك أن تسلم تكبرت أم كنت من العالي ألا أنا أقتني قال فاخرج منها فإنك رجيم عليك يوم يا ربي يا يوم قال فإنك من المنكرين يا يوم قال فبعزتك لأقضينهم أجمعين عبادك من أفل أملأن جهنم منك وبعك قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين إن هو إلا قال أتعلمن نبأ بعد فقال الله العلي العظيم أبي الله أتسك
पूरा करे। नजर क्या थी घर में, अच्छा को 100 कोड़े कोड़े में रहेगी जिंदा रहेगी। अल्लाह ने कहा ठीक, मारो वारो नहीं, तुम्हारी नजर भी रह जाए तो काम करो, दाने वो तुम एक मरतबा उसको मारो तुम्हारी नजर पूरी हो जाए। और पैगंबर, अब यहाँ जनाब अय्यूब के बाद और पैगंबर अरे बंदे कहीं याकूब का जिक्र, जो साहेबान कुव्वत और साहेबान बसीरत थे, आपने भी जिक्र किया था, जाने मजे 1,14,000 जो तेरा जो रस कितने क्या कहते हैं, अगर इनके मुतालिक बातों में इख्तिलाफ है अगर उनको भी आप ले लीजिए जनाब जनाब खिज रहे आदाद को भी, तो 32 से ज़्यादा 30-32 आदाद ही पहुँच। अब किस बुनियाद के ऊपर अल्लाह ने इन अंबिया का तस्करा इस कुरान में, जिनका तस्करा किया तो किस बुनियाद पे किया, 1,00,000 में से अगर 30-32 को अल्लाह ने इसमें जिक्र किया तो कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। सर बिल्कुल साफ है कि वाकयात खुद जो औरत है, जो नसीहत है, बाज है, जैसे यही आयत पैगंबर हमारे बंदे इब्राहिम इसहाक और याकूब को याद कीजिए, उनका जिक्र कीजिए, क्यों, जो साहेबान कुव्वत और साहेबान बसीरत थे। कुव्वत और ताकत का खासा क्या होता है, इंसान के पास जब कुव्वत और ताकत आती है तो इंसान अल्लाह के रास्ते से हट जाता है, लेकिन इनके पास इतनी कुव्वत थी, इतनी ताकत थी, इतना इख्तियार था कि बावजूद ये अल्लाह से और करीब होते चले, अल्लाह का और ज़्यादा शुक्र अदा करते चले गए, और साथ ही साथ साहेबान इज्जत भी थे। इंसान का साहेब बसीरत होना बहुत सिर्फ सरसरी मालूमात और ज़ाहरी किसी भी चीज़ को सामने को देख के फैसला कर देना, ये एक अकलमंद का काम नहीं, भी चीज को सामने से देख के फैसला कर देना ये अकलमंद का काम। अकलमंद का काम क्या है, अकलमंद फौरन कमेंट नहीं कर देता, ये तो बड़ी खराब जगह है, ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, अगर ये यहां के ऊपर आया तो क्यों आया। आम तौर से अगर हम अरे देखो बहुत बड़े अल्लाह वाले बनते थे आज वहां फला जगह बैठे थे, ये आम, लेकिन अगर जरा भी अक्ल है बसीरत है तो क्या करेंगे, आज यहां क्यों बैठे, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से यहां के ऊपर ये आया, ये गलत तो नहीं कर सकता, ये वैसा खराब तो नहीं हो सकता। एक मिसाल दी मैं, तो बसारत के साथ साथ बसीरत बहुत जरूरी है, सामने जो भी चीज है उसे देख के फैसला ना करना बल्कि अंदर जाना, बसे पुश्त क्या है, पीछे क्या है, उसके मुताबिक फिर अपनी राय कायम करना। हमने इनको आखिरत की याद की सिफत से मुमताज करार दिया था, कौन, जनाब इब्राहिम, जनाब इसहाक, जनाब याकूब, इतनी कुव्वत और ताकत और बसीरत वाले थे, लेकिन इनका कमाल ये था, इनकी सिफत ये थी कि हर वक्त यादें आखिरत में रहे। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग आखिरत को भूल, जब आखिरत को भूल जाते हैं तो सब क्या होती हैं, ज्यादतियां होती हैं, ना होते हैं,
और हमारे नजदीक मुंतखब और नेक बंदों में से हमारे चुने हुए थे साफ जना, और ये हमारे नेक बंदों में से थे। ये एक नसीहत है और साहिबान तकवा के लिए बेहतरीन वापसी, हमेशगी की जन्नतें जिनके दरवाजे उनके लिए खुले हुए होंगे। अब अल्लाह ये जो जनाब इब्राहिम और जनाब इसहाक और जनाब याकूब बयान किया कि साहिबान तकवा थे, नेक थे, तो इस नेक होने का फायदा क्या है, अच्छे होने का फायदा क्या है, साहिब तकवा होने का फायदा क्या है? फायदे को बताया, फायदा यह है कि वापसी उसी तरफ होगी और वो ऐसी हमेशा रहने वाली जन्नत में रहेंगे, इनके लिए दरवाजे खुले होंगे, उनको खुलवाना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जाएंगे और मलाइका इनको ले जाएंगे तशरीफ लाई काफी के लिए। एक है कि इंसान जाने के बाद हमको भी दे दीजिए, कहीं दे कहीं कर दीजिए, हमारा भी एक है प्रोटोकॉल मिलता है कि नहीं लेके आओ उसको, ये महल इसी के, फर्क हुआ कि नहीं फर्क हुआ, मिली हमको भी जगह लेकिन कहीं कोने आतर में कहीं मिल गई, और लेकिन खुशामतों के बाद मिली, सिफारिशों के बाद मिली, गिड़गिड़ाने के बाद मिली। एक वो है कि प्रोटोकॉल के साथ नहीं, उसको लेकर आओ, इसी के लिए है, ये जन्नत इसी के लिए है, पूरे इसी के लिए है, तो इनके लिए दरवाजे खुले हुए होंगे, वहां तकिया लगाए चैन से बैठे होंगे और तरह तरह के मेवे और शराब के लिए। कौन सी शराब है? यही शराब, ऐसी शराब के बाद ना इंसान की अक्ल गुम होगी और ना ही इंसान अपने हवास, ऐसी शराब टेस्ट ही अलग है। कहते बेहतरीन किस्म का शरबत, बेहतरीन मशरूब, और इनके पहलू में नीची नजर वाली हम सिन और कम सिन होंगे। इधर तो देखिए कुरान खींच रहा है के पहलू में, दुनिया में कोई पहलू में बिठा सकता है? अरे सब कैसा आदमी है, देखे वो कुरान कह रहा है, इन्हीं अंबिया का तस्करा करने के बाद जन्नत होगी, ऐसा माहौल होगा, ऐसे नेते होंगी, ऐसे बात होंगे, ये सारी एहसानियां होंगी, और फिर उनके पहलू में दिन क्या होंगी। ये वो चीजें हैं जिनका रोजे कयामत के लिए तुमसे वादा किया गया। ये कोई चॉकलेट नहीं है जैसे बच्चे को बहलाने के लिए अल्लाह चॉकलेट दे देता है, जहां ठीक है तुम बस चुप हो जाओ बाकी अपना खाओ, अल्लाह ने टॉफी पकड़ा दी है कि तुम बस गुनाह ना करो और खाली ये देंगे ये देंगे ये देंगे। दान का वादा क्या वादा है? ये हमारा रिस्क है तो खत्म होने वाला नहीं। हम वादा करते हैं, हमारे पास कभी कभी वादा तो कर लेते हैं, चीज देने के लिए नहीं होती है, पैसे देने के लिए नहीं होते हैं, पैसा है लेकिन असबाब नहीं होते लाने की उस चीज के, लेकिन अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, मदद में कोई, ये एक तरफ है। और सरकशों के लिए बेहतरीन बाजगश्त, ये तो तस्करा था नेक लोगों का, अच्छे लोगों का, इब्राहिम और इसहाक और जनाब याकूब जैसे अफराद, अब जो उनके मुकाबले में थे नमरूद और हामान और फिरौन और इस किस्म के लोगों का तस्करा भी सुन लीजिए। ये एक तरफ, और सरकशों के लिए बदतरीन बाजगश्त, जहां इनके लिए बेहतरीन वापसी, उनके लिए बदतरीन वापसी, जहन्नम है इसमें ये दाखिल होंगे। और
ये बदतरीन ठिकाना है। दुनिया में ना तो जन्नत की कोई मिसाल है ना जहन्नम की कोई मिसाल है। कह देते हैं अरे जन्नत जैसा है, जैसा कहाँ देख के आए हो तुम जन्नत को, जन्नत जैसा है, तुम क्या जानो जन्नत कैसी है। अरे साहब कश्मीर जन्नत है, जन्नत तुमको क्या पता कि जन्नत में क्या है, जन्नत जन्नत है। इसी तरीके से जिस तरीके से जन्नत की कोई मिसाल नहीं है दुनिया में, ऐसे ही जहन्नम की भी कोई दुनिया में आप उसका कुछ पता ही नहीं सकते कि जहन्नम ऐसा है वैसा है। यहाँ कितनी ही आग जला दो लेकिन वो असर जो आग का है वो यहाँ दुनिया में पैदा नहीं होगा। दुनिया में आग क्या करती है, जलाई तो देती है, जलाने के बाद खत्म कर दे, राख कर देती है। आखिरत में जलाएगी लेकिन फिर गोश्त आ जाएगा, जलाएगी फिर गोश्त आ जाएगा, जलाएगी फिर गोश्त आ जाएगा। कितनी अजियत हुई। तो जहन्नम जिसमें ये वारिद होंगे और बदतरीन ठिकाना है, ये है अजाब। उसका मजा चखे, गरम पानी और पीप पिए, पीप और इसी किस्म की दूसरी चीजें भी। ये तुम्हारी फौज है, इससे भी तुम्हारे हमराह जहन्नम में ठूंस दिया जाएगा। जिसने जिसने दुनिया में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारे रास्ते पर चले, उनको भी ले जाओ साथ में जहन्नम। खुदा का खुदा इनका भला न करे और ये सब जहन्नम में जलने वाले हैं। फिर मुरीद अपने पीरों से कहेंगे, ये कई जगह के ऊपर इससे पहले भी आयत आई है, यहाँ के ऊपर भी है। मुरीद अपने पीरों से कहेंगे तुम्हारा भला ना हो, तुमने इस अजाब को हमारे लिए मुहैया किया है, ये तुम्हारी वजह से मैं यहां जहन्नम में आया हूं। अगर तुमने हमको ना बहकाया होता तो हम जहन्नम में ना आते। ये कौन कहेगा? मुरीद पीर से कहेगा। बात है, पीर क्या कहेगा, हमने क्या किया था, कोई जबरदस्ती की थी तुम्हारे ऊपर, हमने तुमको दावत दी थी, काहे तुम आए हमारी तरफ। तो पीर मुरीद को कोसेगा, मुरीद पीर को कोसेगा और दोनों लड़ेंगे, लड़ते लड़ते जहन्नम में जाएंगे, वहां भी लड़ेंगे। तेरी वजह से आया हूं जहन्नम में। अरे तेरी वजह से क्या, तू अगर ना मानता तो हमें यहां जहन्नम में ना आता, शायद तौबा कर लेता, लेकिन तुम लोगों ने मानना शुरू किया तो मैं समझा वाकई इमाम हूं, तो मैंने अपने को वाकई इमाम मान लिया। अगर तुम ना मानते तो हम क्यों ऐसा होता। तो पीर इमाम को कोसेगा, इमाम पीर को कोसेगा, मुरीद पीर मुरीद को और मुरीद पीर को। फिर मजीद कहेंगे, इसके और भी कहेंगे, बताया जिसने हमको आगे बढ़ाया है उसके अजाब को जहन्नम में दुगना कर दे। ये कौन कहेगा? मुरीद। ये पीर के लिए कहेंगे कि जिसने हमको यहां तक पहुंचाया है इस जहन्नम तक, तू उसके अजाब को डबल कर दे। फिर खुद कहेंगे मैं क्या हो गया है, हम उन लोगों को नहीं देखते जिन्हें शरीर लोगों में शुमार करते थे, हम अपने को अच्छा मानते थे उनको शरीर मानते थे, हमने ना हक उनका मजाक उड़ाया था, हम अपने को अच्छा समझ रहे थे कि हम ही सही हैं और वो तो गुमराह हैं और काफिर हैं और मुलहिद हैं और मुशरिक हैं, और हम अपने को कह रहे थे हमसे बड़ा पक्क मुसलमानी कोई नहीं। तो हमने तो न, और वो कहां गए जिनका हम मजाक उड़ाते थे, जिनका मजाक उड़ाते थे, जिनको हम काफिर और मुनाफिक कहते थे, वो तो कहीं दिख नहीं रहे, हमने नाहक उनका मजाक उड़ाया था, अब हमारी निगाहें उनकी तरफ से पलट गई। ये अहले जहन्नम का बाहमी झगड़ा एक हकीकत है। कौन कह रहा? कुरान कह रहा है। जहन्नम में मुसलसल लड़ाई होगी,
आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, ये इनको कोसता रहेगा, वो इनको कोसता रहेगा, तेरी वजह से, तेरी वजह से, ये सब तेरी वजह से, सब तेरी वजह से होता रहेगा। आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ डराने वाला हूं, मानो ना मानो। और खुदाए वाहिद कहार के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं। मेरा काम है बताना, आना आना, हम बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, मानो ना मानो। मानोगे फायदा उठाओगे, नहीं मानोगे कल पछताओगे। ये वही आसमान और जमीन, आप कह दीजिए और खुदा वाहिद व कहार के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। वही आसमान और जमीन और उनकी दरमियानी मखलूकात का परवरदिगार और साहेब इज्जत और बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। कह दीजिए कि ये कुरान बहुत बड़ी खबर है, तुम इससे एराज किए हुए हो, मुंह मोड़े हुए हो। कुरान से बढ़ के कोई खबर नहीं हो सकती और तुम कुरान से मुंह मोड़ रहे हो। मुझे क्या इल्म होता कि आलम बाला में क्या बहस हो रही थी। अगर कुरान ने ना बताया होता तो क्या आदम का तस्करा मालूम होता, नूह का बात मालूम होती, इब्राहिम और इसहाक और बाकी दूसरे अंबिया के तस्करे हम तक पहुंचते। मुझे क्या इल्म होता अगर आलम बाला में क्या बहस हो रही है। मेरी तरफ तो सिर्फ ये वही आती है कि मैं एक खुला हुआ अजाब इलाही से डराने वाला इंसान हूं। जितना उधर से हुक्म मिलता है उतना मैं तुम तक पहुंचा देता हूं। इन्हें याद दिलाइए, जब आपके परवरदिगार ने मलाइका से कहा कि मैं गीली मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं, तब इसे दुरुस्त कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदे में गिर जाना। तमाम मलाइका ने सजदा किया अलावा इबलीस के, कि वो अकड़ गया और काफिरों में हो गया। अब यहां के ऊपर एक फुटनोट है, बज़ाहिर शैतान ने आखिर वक्त तक रुबूबियत परवरदिगार से इनकार नहीं किया था। आखिरी वक्त तक शैतान अल्लाह को अपना रब मानता रहा और यही कह रहा था कि तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को खाक से, यानी अपने अल्लाह को अपना खालिक मान रहा था, आदम का भी खालिक मान रहा था। तेरी इज्जत की कसम मैं लोगों को गुमराह करूंगा, लेकिन इसके बावजूद परवरदिगार ने उसे लफ्ज काफिर से याद किया। अल्लाह को तो मानता था, अल्लाह को तो मानता था, अल्लाह की खालिकियत को भी कबूल करता था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने कहा एक काफिर है। तो इस बात की अलामत है कि नुमाइंदे परवरदिगार के सामने इनकार कर दर हकीकत परवरदिगार का इनकार है और इसके बाद इस्लाम और ईमान का कोई इम्कान नहीं रह जाता। ज्यादा ये कदीर का इनकार, कदीर का इनकार नहीं है, ये अली का इनकार, अली का इनकार नहीं है, ये रसूल का इनकार है, ये रसूल का इनकार नहीं, ये अल्लाह का इनकार। और इनकार करने वाला इस्लाम और ईमान से निकलकर कुफ्र और लानत की हदों में दाखिल हो जाता है। उसने कहा कि मैं इनसे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया इन्हें खाक से। इरशाद हुआ कि यहां से निकल जा, तू मर्दूद है और यकीनन तेरे ऊपर कयामत के दिन तक मेरी लानत है। उसने कहा परवरदिगार मुझे रोज कयामत तक की मोहलत दे दे। इरशाद हुआ कि तू मोहलत याफ्ता है, तुझे मोहलत दी जा चुकी है, मगर एक मुअय्यन वक्त के दिन तक बस। उसने कहा तो फिर तेरी इज्जत की कसम मैं सबको गुमराह करूंगा अलावा तेरे मुखलिस बंदों के, जिन्हें तूने खालिस बनाया, उन पर मेरा कुछ नहीं चलेगा। तो मतलब यह है कि खुलूस से कैसी सिफत है कि अगर हम शैतान से बचना चाहते हैं तो अपने अंदर खुलूस पैदा करें। खुलूस, अब यहां कब्र वक्त नहीं है वरना मैं
बताता कि खुलूस वैसे सुनते रहते हैं मजलिसों में और खुतबों में और पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन खुलूस क्या है? दो आयतें और इरशाद हुआ तो फिर हक ये है, और मैं तो हक ही कहता हूँ कि मैं जहन्नम को तुझसे और तेरे पैरोकारों से भर, जब उसने ये चैलेंज किया कि मैं तो सबको गुमराह करूंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, तो अल्लाह ने कहा ठीक कर गुमराह, तो फिर मैं भी काहे के लिए बैठा हूं? मैं भी जहन्नम को इसीलिए पैदा किया, मैंने भी जहन्नम को तुझसे और तेरे जितने पैरोकार हैं सबसे भर दूंगा। और पैगंबर आप कह दीजिए कि मैं अपनी तबलीग का कोई अज्र नहीं चाहता, और न मैं बनावट करने वाला खलक बयान हूं। ये कुरान तो आलमीन के लिए एक नसीहत है, और कुछ दिनों के बाद तुम सबको इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी कि जो मक्के की गलियों में घूम घूम के आयतें सुनाई जा रही थी, मदीनों में कुरान पढ़ा जा रहा था, इसकी हकीकत क्या है कुछ दिनों बाद तुमको पता चल जाएगा। सदकल्लाहुल अलीयुल अजीम। सलावात। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرحمن الرحيم رب العالمين الله الرحمن الله اصطفى زاده الله يوت आप देखिए किया था पांच या छह चीज आमाले शाबान में, और उसके बाद वक्त पूरा हो गया था। आज दो चार मिनट आपकी कल गुजरी और जो आज की दिन बाकी, ये दो ज़वात मुक़द्दसा शहज़ादे अली अकबर और तमन्नाए मौलाए मुत्तकियान, इस तरीके से तमन्नाए मौलाए मुत्तकियान का नाम गाज़ी अबुल फज़ल है, इसी तरीके से तमन्नाए सरकार सैयदुश्शुहदा का नाम जनाब अली अकबर। अब आप देखें, हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, आरज़ू तमन्ना होती है, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सही करता है, कोशिश करता है, मेहनत, लेकिन कहीं कहीं अकलें जवाब दे जाती। अब आप देखें, मौला पर्दे शब में दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर ऐसा जैसा मैं चाहता, तमन्ना है कि नहीं, आरज़ू है कि नहीं? अब आप देखें, पूरी आलम इंसानियत में नजर दौड़ाएं कि बेटे की तमन्ना कौन करता है, औलाद की तमन्ना कौन करता है, तो तीन चीजें सामने आती हैं। सबसे पहले और सबसे कसरत से जो औलाद की तमन्ना करता है वो करता है जिसके पास कोई औलाद, न बच्चा है न बच्ची, वो तमन्ना करता है परवरदिगार मेरा दामन दादों से भर दे, मेरी आगोश को आबाद कर दे, वो तमन्ना करता है। दूसरा तमन्ना वो करता है औलाद की, जिसके पास औलाद तो है लेकिन औलादे नरीना नहीं है, लड़कियां तो हैं लेकिन लड़के नहीं हैं। हर आम दुआ करता है, हर मुनासिबत पे दुआ करता है कि परवरदिगार मुझे एक औलाद अता कर। तीसरा वो तमन्ना करता है औलाद की, जिसके पास औलाद तो हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, लेकिन उसके मिजाज के मुताबिक नहीं है, जैसा वो चाहता है वैसी नहीं है। एक फैमिली है बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, पूरा घराना डॉक्टर है, और उसका बेटा एसएससी नहीं पास हो पा रहा,
वो चाहता है इस रास्ते पे चलो, वो उस रास्ते पे चलता है। एक घराना आबिदे शब्द जिंदादार है, दिनों रात इबादत करने वाला है। औलादें तो अल्लाह ने दी, लेकिन क्या हुआ, तरबियत नहीं कर सके, क्या माहौल मिला, कैसा मिला, औलाद राह से बेरार हो। तो अब वो भी तमन्ना करता है, चार औलादें हैं, छह औलादें हैं, फिर भी तमन्ना करता है परवरदिगार एक औलाद दे दे ऐसी जैसी मैं चाहता हूं। तो ये तीन तबका दुआ करता है। अब मौलाए कायनात की दुआ को देखे, परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर। तो अब बताइए, जब पहले जाविये पे देखते हैं जिसके पास औलाद ही न हो तो क्या कहना, मौला का दामन औलाद से भरा हो। लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, और ऐसे हैं जो नमूने हिदायत, मरकजे हिदायत है, महवरे हिदायत है, जिसपे तारीख इस्लाम को नाज है, चाहने वालों को फख्र है। तो वो तो सीरा एकदम से खत्म नजर आता है। दूसरा वो कि लड़कियां तो हैं, लड़के नहीं हैं। जब इस दाविये से देखते हैं तो भी मौलाए कायनात के यहां लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। तीसरा ये कि बच्चा तो हो लेकिन अपने मिजाज के मुताबिक हो। तो क्या कहना, इनके मिजाज का कसीदा खुद कुरान पढ़ता है, वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। तो बच्चे भी ऐसे हैं कि बाप तो दूर की बात, मर्जी इलाही के भी मंशे के खिलाफ सोचते नहीं, तसव्वुर भी नहीं करते। तो जिस जाविये पे औलाद मांगी जाती है वो सारे जाविये जो है मौला की दुआ के सामने कैंसिल, रिजेक्ट है। तो ऐ मेरे मौला कायनात के आप मुश्किल कुशा हैं, ये कौन सी मुसीबत आ गई, कौन सा वक्त आ गया जब आपको दुआ करनी पड़ी, या कौन सा मंजर आपके सामने था जिसकी वजह से आपको दुआ करनी पड़ी। तो अजीजाने गिरामी आप देखें, अल्लाह ने अपने हबीब को औलाद दी थी इब्राहिम और अब्दुल्लाह जैसी, लेकिन वक्त से पहले उसे उठा लिया। वक्त तो था लेकिन जिसने दिया था उसने ले लिया। एक दिन इमरजेंसी में अल्लाह ने कहा, फमन हाज का फीहे मिम्बादे माजा का मिनल इल्म फकुल तालो न दो अपनाना व अपनाकू व निसाना व निसाकू। अगर ये इत्माम हुज्जत के बाद नहीं मानते हैं तो इनसे कह दो मैं अपनी औरतों को लाता हूं, तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपने बच्चों को ले आते हैं, तुम अपने बच्चों को ले आओ। तो इमरजेंसी में अल्लाह ने अली की औलाद को लेके रसूल को दे दिया, रसूल को दे दिया। शायद यही वो मौका था जब मेरे मौला को दुआ करना पड़ी, परवरदिगार एक औलाद अता कर। अब कुछ लोग कहते हैं कि गाजी अबुल फजील अब्बास में ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस गुनहगार मौलवियों से ये पूछने का सवाल नहीं है कि गाजी में ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। उस खुदाए आदिल से पूछो कि दो बेटे लिए हैं जो सैयदा शबाबे अहली जन्ना हैं, जो इमाम हैं, जिनके लिए आपने लिबास जन्नत भेजा है। तो जब ऐसी औलाद ली है तो परवरदिगार जो दे रहा है उसके अंदर भी तो कुछ बचे। तो शायद आवाज कुदरत आए कि जितने भी मनसब मेरे पास बचे थे, गाजी, वफादार, अलमदार, सारे से मुजयन करके गाजी अबुल फजल अब्बास को अली की आगोश में दी। ये थी तमन्नाए अली। और एक है तमन्नाए सरकारे सैयदुश शोहदा। अब आप देखें, बहस तो लंबी नहीं की जा सकती है, बहुत कम वक्त है, सिर्फ एक जुमले की तरफ इशारा करना चाहता हूं। जब सरकारे सैयदुश शोहदा जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम को रुखसत कर रहे थे तो आसमान की तरफ अपने सर को बुलंद किया, और बुलंद करने के बाद क्या कहा, परवरदिगार अब उसको भेज रहा हूं जो सूरत में
सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में, कायनात में जितने लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा मुशाबे परवरदिगार तू गवाह रहना, तू गवाह रहना। तो मालूम ये हुआ कि खाली अल्लाह ने शक्ल ही नहीं दी थी। सरकारे सईदु शोहदा का जुमला कब? शहादत से चंद दकीके पहले का। आप तमाम मकातिल में उठा के देख लें ये जुमले मिलते हैं। तो मालूम ये हुआ कि शजाअत भी थी, सखावत भी थी, इल्म भी था, इताते इलाही भी थी, सब कुछ था जिस जाविये से देखने जाएंगे। लेकिन क्या कहना, अभी आप देखें कहीं आप फंक्शन में चले जाएं तो 1000 वोल्ट की लाइट लगी हो, उसके बाजू में जो है 200 वोल्ट के लगा दें तो फिर वो रोशनी उतनी नुमाया नजर नहीं आती। लेकिन अगर अंधेरे में एक चराग भी रोशन कर दीजिए तो वो अपने वजूद का एहसास दिला देता। अहले बैत का घराना ही यही था कि बड़ों के होते हुए अपने किरदार की नुमाइश नहीं करा सके, कायनात को पहचानवा नहीं सके। अब आप देखें शजाअत के लिए मैं नहीं कहता कि अली अकबर कितने शजाअ थे। गाजी अबुल फजल अब्बास ने जब शब आशूर लश्कर यजीद को देखा, मुआयना किया, मुआयना करने के बाद आए, आने के बाद बहुत ही इत्मीनान के बाद कहते हैं कि कल जंग कैसे की जाए। कहा लश्कर यजीद को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, आधे से मैं मुकाबला करूंगा और जो आधे का आधा है 25% उसमें सारे के सारे असहाब उनसे जंग करेंगे। 25% में काजी शहजादा जनाब अली, यानी निगाहे गाजी में भी इस उम्र में जो मैदान जिहाद के लिए कही जाए कि अभी कम है, उसमें भी इतने बड़े लश्कर से मुकाबला करने की सलाहियत गाजी के नजदीक शहजादे अली अकबर। सखावत को आप देखें तो अरब का कायदा था कि अगर किसी को मेहमान बुलाना है, उसे खाना खिलाना है, उसे दावत देना है तो वहां का तरीका यह था कि अपने मकान के ऊपर चिराग को रोशन कर दिया जाए ताकि जिसके पास खाना नहीं है वो भी आ सके, जो मुसाफिर है वो भी आ सके। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया हो, जब भी आप जाएं, शहजादे अली अकबर का ये तरीका रहा कि हमेशा चिराग को रोशन रखते थे चाहे दिन हो चाहे रात हो, ताकि आने वाले को खिजालत महसूस ना हो। जैसे आपने बोर्ड लगा दिया कि आज नजर का एहतमाम है तो अब गरीब को यह पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं भूखा हूं, मुसाफिर को यह पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं फला जगह से आया हूं, खाली आपकी है कि मेरी भी है। जो भी आ जाए इस दर पर वो इससे फैजियाब हो सकता है। आइए दुआ करते हैं परवरदिगार हम सबको अहले बैत की सीरत पे चले। परवरदिगार अजीम खुशी है, ये पूरा महीना खुशियों का है, करबला वालों का है। वाकई ये महीना वो है कि जिसमें गम की कोई झलक नहीं, सारी खुशियां ही खुशियां हैं। परवरदिगार तुझे शहजादे अली अकबर के वास्ता जो भी परेशान जो मकरूज को अदा फरमा, बेरोजगार उन्हें रोजगार इनायत फरमा, जो रोजगार कर रहे हैं उनके रोजगार में खैर उबर इनायत फरमा। हम सबको हर साल हज इमाम के हम सबको आप कहके पुकारते हैं।
ताला फरमाए, अल्लाह ताला फरमाए देखें, लेकिन अगर मौलाना फरमाते हैं, मौलाना फरमाता है ये तो नहीं कहते, वो वहदा तवर हमारे भी नहीं, अल्लाह एक तो तसव्वुर लफ्ज का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसमें से एक से दो हो सके, तसव्वुर भी दो आ सके। अगर आप कहते हो अल्लाह फरमाते हैं तो अगरचे आपने अदब में कहा लेकिन तसव्वुर तो दूसरे का होता है, तो इस वजह से कहा जाता अल्लाह फरमाता है ताकि तसव्वुर में भी आपके दूसरा ना आए कोई, यह है वजह। और कोई अल्लाह कुर्सी नशीन हजरात से कोई सवाल? कुर्सी पे झगड़ा होता है? कुर्सी तो झगड़े के लिए है ही है, जब तक कुर्सी रहेगी तब तक झगड़ा रहेगा, जहां जहां कुर्सी है वहां झगड़ा। उस अते कल्ब बहुत जरूरी है। अल्लाह कह रहा है खुद कुरान मजीद में कि जब कहीं के ऊपर तुम बैठे हो एक जमात में नमाज में खुद वैसे है, अगर कहा जाए वुसअत के लिए साहिबान ईमान को चाहिए कि जगह दे दे। आप सब में बैठे हो और एक मोमिन आया है बेचारा खड़ा है, आप कह रहे हो देखो ये सब तो जगह पूरी हो चुकी है और ये खामखाई के लिए घुसा चला जा रहा है, आप थोड़ा सा इधर उधर हट के जगह दे दो। ये खुद कुरान का हुक्म है, ज्यादा उसमें लड़ने की क्या बात है, झगड़ने की। इस कुर्सी पे इस बैठना है तो आओ भैया तुम इस पे बैठो, हम उस पे बैठे जा रहे हैं, आओ आओ तुम ही बैठो इस पे, हम पीछे बैठे हैं तुम आगे बैठो, तुम आगे बैठना आओ तुम आगे बैठो, हम पीछे चले जाते हैं, तो क्या कबाहत है। ना कोई हिंदुस्तान कुर्सी खत्म होने वाली नहीं है, कुर्सी खत्म होने वाली नहीं है, कुर्सी तो रहेगी। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, इस टाइम पूरा हो गया। परवरदिगार आलम से दुआ है माँ हमारी इस असर से कोशिश को हमें कबूल फरमा और हम सबको इल्म और अमल के जेवर से आरास्ता फरमा, हालात को आसान फरमा, उमूर की इसलाह फरमा, मौला के ज़हूर फरमा। आप हजरात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम की तिलावत फरमा कर इस दर्स में जो साथ मौजूद हैं ये मरहूमीन और वो तमाम मोमिनीन के जो आज हमारे नहीं हैं अरवाह को बख्श दें। بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً